नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस। तो आज हम करेंगे J4 प्लस का अनबॉक्सिंग। तो चलिए हम पहले बॉक्स को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है, अंदर कैसा है बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ की USB लिखा है, जैसे कि इन्फिनिटी डिस्प्ले, ई मोटिफाई और मूव टू कंटेंट, मूव ऐप और कंटेंट टू एच डी कार्ड। इसमें सारा ऐप और कंटेंट आप HD कार्ड में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 2GB रैम, 2GB रैम है। ओ नो, ये गलत हो गया। मेरे ख्याल से 3 देना चाहिए कम से कम, J4 में 32GB के 3GB। तो खैर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इसमें। बॉक्स को ओपन करके देखेंगे उसमें क्या क्या दिया है और कैसा है फ़ोन। यहाँ पे इसका प्राइस है देख सकते हैं 12,000, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस है 10,990, लगभग 11,000 रुपये का। तो अभी हम ओपन करते हैं बॉक्स को। तो चलिए खोल लेते हैं, मैंने रैप निकाल दिया है। तो ये है हमारा J4। डिस्प्ले साइज है 6 इंच का, और 6 इंच का HD प्लस TFT है, सुपर एमोलेड नहीं है। J6 में भी, J6 प्लस भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी TFT है। मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था सुपर एमोलेड, वो गलती से। तो TFT डिस्प्ले है और साइज बिल्कुल सेम है, J6 प्लस जैसा दिखाई दे रहा था बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। ये फ़ोन भी ये आप देख सकते हैं, इसका कुछ एसेसरीज वही सेम एसेसरीज है जैसे हर फोन में देता है। वही चार्जर है नॉर्मल वाला, हेडफोन वही नॉर्मल वाला है, डेटा केबल वही है छोटा सा। यह इंजेक्टर पिन, तो उसमें और कुछ है नहीं। तो इसको हम साइड में रखते हैं और देख लेते हैं हमारे फोन को। तो यह है हमारा फोन, लेकिन बजट प्राइस में 10,000-11,000 में देखें तो ये सैमसंग का जगह अगर देखें तो पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग फ़ोन है ये। इस रेंज में जो फ़ोन आता ना ही इसमें कोई चमक रहता था, ना ही ये इतना प्रीमियम लुक देता था, लेकिन ये फ़ोन जो है बिल्कुल शाइनी है। अगर आपको एक अच्छा लुक चाहिए तो आप ये फ़ोन प्रीफर कर सकते हैं। चलिए अभी इसको हम ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं पूरा इन्फिनिटी डिस्प्ले है 6 इंच का। पहली बार सैमसंग ने 11,000 रेंज में एक 6 इंच का डिस्प्ले दिया है, लेकिन TFT है, एमोलेड नहीं है। पहली बार TFT में ब्लू लाइट फिल्टर भी दिया गया है, नहीं इससे पहले सारे सुपर एमोलेड में ही आते थे ब्लू लाइट फिल्टर। डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे इनबिल्ट है, आप सराउंडिंग साउंड का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। चलिए हम डिवाइस मेंटेनेंस चेक कर लेते हैं हमारा क्या है रैम और मेमोरी। तो रैम 2GB का है, मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा फ़ोन लेने से पहले, आपको 2GB लेना है या 3 लेना है। तो आप पुराना वाला J4 में जा सकते हैं या फिर J6 में जा सकते हैं, लेकिन उसमें तो आपको थोड़ा छोटा डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन रैम अच्छा मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, पता चलेगा कितना फ्री होता है। 1GB का आपका लगभग फ्री है। अभी हम स्टोरेज चेक करते हैं, स्टोरेज 32GB दे दिया है। मेरे ख्याल से ये J4 16GB का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, 10,000 में आना चाहिए। अभी 11 है, अभी बहुत जल्द आपको 10 में भी शायद मिल सकता है। तो उस रेट में ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा 10,000 बजट में। तो हो गया, अभी हम कैमरा थोड़ा चेक कर लेते हैं। कैमरा है 13MP प्लस 5MP, जैसे कि J4 में पुराने वाले में भी था वही सेम है। इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं ऊपर आपका सारा जो मोड्स है यहाँ पे मिलते हैं आपको। कैमरा अच्छा है, कैमरा के बारे में कुछ गलत बोल नहीं सकते क्योंकि सैमसंग का कैमरा हमेशा अच्छा ही होता है, आपको रियल पिक्चर देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 13MP फुल HD रिकॉर्डिंग है। फ्रंट कैमरा में भी आपको 5MP के साथ फुल HD रिकॉर्डिंग मिल जाता है। ये हो गया कैमरे की बात। अभी हम मेन चीज़ जो चेक कर रहे हैं वो है CPU Z में जाके इसका प्रोसेसर क्या है। तो अभी हम CPU Z में जाके चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा CPU Z। तो क्वाडकोर प्रोसेसर है, जैसे कि J6 में दिया है प्लस में, इसमें भी वही क्वाडकोर प्रोसेसर आपको मिलता है। जैसे कि डिस्प्ले इसमें बढ़ा दे दिया है, डिज़ाइन बढ़ा दिया है, प्राइस कम है, तो उस हिसाब से शायद बजट कम करने के लिए इसमें क्वाडकोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि J6
प्लस में किया गया है। तो यही है, आप देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है सीपीयू जेड का, आप देखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।